आइए बच्चों शुरू करते हैं सिलेक्शन अब यूट्यूब चैनल पे। आज का थर्ड शिफ्ट जो कि 1 दिसंबर 2021 को हुई थी SSC GD के, आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे ये चैनल पे जो मैथ पढ़ाते हैं सर पंकज सर, उनका भी सिलेक्शन इसी वाले रिजल्ट में हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि पंकज सर के रीजनिंग और मैथ में पूरे जैसे कि 25 में 25 नंबर थे। मैंने पंकज सर को अच्छे तरीके से देखा है, जिन्होंने अच्छे तरीके से खूब मेहनत की थी और पूरे में पूरे नंबर लाए। इसी तरह हम आपके आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप पंकज सर से विधिवत जानकारी लेते रहेंगे और उनसे पढ़ते रहेंगे तो आप भी इस बार जो नया पैटर्न आया है GD का 20 में 20 नंबर लाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए आपसे कहेंगे कि आप चैनल पर बने रहिए और आगे जो भी पेपर सॉल्व कराए जाते हैं उनको विधिवत देखते रहिए। जैसे कि हम आप अपने बारे में बता दें, मैं GS का सेट लेके चल रहा हूँ। GS के साथ में जो करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक और जो अन्य भी जानकारियाँ हैं वो भी हम आपको इसके साथ में देते चले जा रहे हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत फायदा करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हमारा GS का पोर्शन रहा है। तो प्रश्न संख्या 26 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रों किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब फ्रांस के बारे में कुछ जानकारियां नोट कर लेते हैं। फ्रांस फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। फ्रांस जो है ये यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय जो है वो ब्रसेल्स में है। ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है इसको जरूर नोट करिए, क्योंकि आजकल जो TCS पेपर ले रहा है ये हमारा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर घुसने लगा है। EU का एक और जानकारी ले लेते हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, EU की जो अध्यक्ष हैं वो उर्सुला वेन डर लेयन है। आप अगर उर्सुला वेन डर भी याद रखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। उर्सुला वेन डर लेयन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये अभी हमारे यहाँ रायसीना डायलॉग हुआ था, रायसीना डायलॉग। दो हजार बाईस जो राष्ट्रपति भवन में हुआ था। उसमें मुख्य अतिथि थी उर्सुला वेन डर लेयन, ये मुख्य अतिथि थी। रायसीना डायलॉग जो है ये हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय प्लस OECD, OECD सॉरी माफ करिएगा, OECD ने ORF, ORF जो भारत का एक NGO है वो करवाता है। अब पेरिस के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। अगले ओलंपिक 2024 ओलंपिक इसका आयोजन पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस में हेडक्वार्टर देख लेते हैं। OECD ये एक इकोनॉमिक संस्था है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके साथ में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके 37 सदस्य देश हैं। ये जो है ये जो जमाखोरी या फिर आतंकवादियों को जो देश चंदा वगैरह देते हैं उन पे लगाम लगाती है। इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो टी राजा कुमार हैं। ये सिंगापुर के हैं, ये ना सोचिए कि ये भारत के हैं, ये सिंगापुर के हैं। FATF के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। FATF से अभी ग्रे लिस्ट में, ग्रे सूची में
में शामिल किया गया देश जो है वो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। और एफएटीएफ की ग्रे सूची से जो बाहर निकला है, जो बाहर निकला है देश, वो पाकिस्तान है। ठीक है, अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा करंट के बारे में भी देख लेते हैं। करंट पेरिस के पास में एक और मतलब वो शहर है, उसको कहते हैं लियो। लियो में इंटरपोल का मुख्यालय है, इंटरपोल हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इंटरपोल की जो 90वीं बैठक थी, 90वीं बैठक थी वो भारत में हुई थी, नई दिल्ली में। और 90वीं बैठक का जो आयोजन हुआ था भारत में, वो सीबीआई ने करवाया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये कार्मिक विभाग के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने के समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। जो चींटी जो काटती हैं वो कौन सा अम्ल होता है जो चींटियों के काटने पे हमारे शरीर में एकदम कुछ चुलबुलाहट से पैदा कर देता है, तो ये फार्मिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को के भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। धौलावीरा के जो बारे में देख लेते हैं, धौलावीरा, फिर क्वेश्चन का आंसर भी लगाएंगे। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित एक शहर है, गुजरात में स्थित है। इसके साथ में गुजरात में एक लोथल भी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बंदरगाह शहर है। लोथल में पुर्तगाल की मदद से एक पुरातत्व संग्रहालय भी बन रहा है, संग्रहालय भी बन रहा है। अब धौलावीरा के बारे में देख लेते हैं। धौलावीरा 39वीं यूनेस्को साइट थी। यूनेस्को साइट थी। 40वीं के बारे में देख लेते हैं। ये रामप्पा मंदिर तेलंगाना ये थी। अब क्वेश्चन का आंसर हम लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के समय शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा तीन भागों में विभाजित किया गया था। इसमें तीन भाग कौन कौन से थे? एक मध्य भाग था, एक दुर्ग भाग था, दुर्ग का मतलब होता है किला, एक निचला भाग था। निचले भाग में वो लोग रहते थे जो शूद्र टाइप के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एमा एदुकानु ने सितंबर 2021 में
हराकर यूएस ओपन महिला टेनिस खिताब जीता। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा लेला फर्नांडीज, लेला फर्नांडीज। अब यूएस ओपन के वगैरह इन सबके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यूएस ओपन 2022, एक करेंट उस समय ये करेंट का क्वेश्चन था, इसलिए हमें करेंट के बारे में ही जानकारी लेनी है। तो यूएस ओपन 2022 में मेल, एल्कराज गार्फिया। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और फीमेल के बारे में देख लेते हैं, यूएस ओपन 2022 फीमेल, ईगा स्वेटक। ये पोलैंड की हैं, पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने यूएस ओपन जीता है। अब हम थोड़ी और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, जैसे एक साल में चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। चार ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, इसमें मेल को देख लेते हैं। मेल यानी पुरुष, पुरुष एकल खिताब जीता था राफेल नडाल। राफेल नडाल का देश भी देख लेते हैं, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। तो मुद्रा क्रोना। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2020 2022 का देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 मेल, राफेल नाडाल। महिला में इन्होंने ही जीता था, ईगा स्वेटक ने। विंबलडन देख लेते हैं, विंबलडन। विंबलडन जो है ये इंग्लैंड में होता है। विंबलडन के बारे में देख लेते हैं। मेल, नोवाक जोकोविच। फीमेल देख लेते हैं, फीमेल, एलेना बिया काना। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्टार बना के नोट कर लीजिए। जो रोजर फेडरर थे, स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने संन्यास लिया है और ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे। अभी तक सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम राफेल नाडाल ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? 13वीं और 14वीं शताब्दी, 13वीं और 14वीं शताब्दी के बारे में हम जानकारी ली गई है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का हो जाता है, हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा जनजाति, वो खोखर, खोखर जनजाति हो जाएगा।
अब पंजाब के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पंजाब, ये पांच नदियों का पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान, भगवंत मान है। पंजाब, पंजाब से एक नई ट्रेन चलाई गई है, ऊना अमृतसर दिल्ली, तीसरी वंदे भारत ट्रेन। हाँ, तीसरी वंदे भारत ट्रेन पर चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या थी? तो ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है। करंट के हिसाब से अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या कहते हैं, पहले यही समझ लेते हैं। आरबीआई जो है, आरबीआई के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई की स्थापना चलिए आरबीआई को देखते हैं। जैसा कि आपने देखा आरबीआई, आरबीआई की स्थापना देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 कोलकाता में हुई थी, ये आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब रिवर्स रेपो रेट के बारे में देख लेते हैं। जो रिवर्स रेपो रेट होती है, ये बैंकों, जो बैंक होती हैं, बैंक जब आरबीआई के पास अपना पैसा रखती हैं तो वो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और जो बैंक को पैसा देता है आरबीआई, वो रेपो रेट के हिसाब से देता है। ठीक है, अब नया जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पहले तो 3.35 थी, अब जो वर्तमान में चल रही है नवंबर 2022 को देख लेते हैं। तो नवंबर 2022 में जो रेपो रेट चल रही है, जो बैंक, जो आरबीआई है, वो बैंकों को पैसा दे रही है, वो 5.90% ब्याज पे दे रही है। और रिवर्स रेपो के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट वो 3.35, क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है अपने यहाँ पे। बैंक रेट के बारे में भी देख लेते हैं, 6.15। और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी ये है 6.15, ये दोनों बराबर ही रहती हैं अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? तो ये क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि ऐसी बैंक जिसकी कोई भी एक सिंगल ब्रांच ना हो, सिर्फ एक ऑफिस हो जहाँ से संचालन हो रहा हो, सिंगल ऑफिस जहाँ पर संचालन हो रहा हो, तो इनको नियो बैंक कहते हैं। नियो बैंक, नियो बैंक के बारे में देख लेते हैं। जिनका सिर्फ हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, सिर्फ ऐसा काम करते हैं जो कि ऑफिशियल होता है। कस्टमर का बैंक की ब्रांच में कोई भी काम नहीं होता है। अब देख लेते हैं हमारा नियो बैंक के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो भारत का 100वां यूनिकॉर्न होना है, यूनिकॉर्न बना है, सोमा यूनिकॉर्न जो बना है वो ओपन न्यू बैंक, ओपन न्यू बैंक बने हैं। भारत ने 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा छू लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी
का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार, बिहार के कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर किसको कहते हैं? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और 23वें भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले 23वें और 24वें, 24वें अंतिम थे, इसलिए 23वां सेकेंड लास्ट भी बहुत जरूरी हो जाता है। 23वें पार्श्वनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग शाखा शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने आवश्यक हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है कि जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में बना था, तो वो आरबीआई जो है, आरबीआई ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ये आरबीआई को ही राष्ट्रीयकृत करके बनाया गया था। आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था तभी ये बैंक बना, तभी ये अधिनियम बना था। तो भारतीय रिजर्व बैंक से कितने लाइसेंस अगर हमें मिल जाए तो हम एक वाणिज्यिक बैंक, मतलब जहाँ पे कस्टमर को हम सुविधाएं दे सकते हैं, कस्टमर से सीधे संज्ञान ले सकते हैं, बैंकों में लोन दे सकते हैं कस्टमर को, एक इससे कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं थोड़ा। पारिस्थितिकी तंत्र जो ऐसी जगह है जहाँ पे हर प्रकार के जीव जंतु हमारे उपस्थित हों, वहाँ पे जलीय जीव भी हों और जैसे कि पेड़ पौधे भी हों, फ्लोरा एंड फाउना, मान लीजिए फ्लोरा एंड फाउना। तो इसका सही आंसर प्राकृतिक पूछा गया। प्राकृतिक जो है, इसमें बगीचा वो भी मैन मेड होता है, आदमी बगीचा बनाता है अपने घर में, बांध भी आदमी बनाता है, एक्वेरियम भी आदमी बनाता है, लेकिन जो रेगिस्तान है वो आदमी नहीं बना सकता है, इसको सिर्फ प्रकृति ही बना सकती है। इसलिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो रेगिस्तान आंसर हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है वो समुद्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में से इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, जो कि एक डेनमार्क की संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कोपेनहेगन में है, द्वारा ब्लू फ्लैग बीच जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से जो बीच होते हैं समुद्र के किनारे जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय हिसाब से, जैसे कि चाहे भारत का या बीच हो, चाहे वो यूएसए का बीच हो, चाहे वो यूके का बीच हो, मतलब यूनाइटेड किंगडम का बीच हो, ये इंडिया, ये यूएसए, ये यूनाइटेड किंगडम, जबकि भारत एक विकासशील देश है, लेकिन भारत का बीच, अमेरिका का बीच और इंग्लैंड का बीच, तीनों बीचों में जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल एकदम विशेष प्रकार की होंगी, जो कि तीनों जगहों पे मिलेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच जो है ये गुजरात में स्थित है। अब अन्य जानकारियां भी देख लेते हैं ब्लू फ्लैग बीच के बारे में। भारत में टोटल ब्लू फ्लैग बीच जो है वो 12 हैं,
10 पहले बने थे, दो बाद में बने हैं। दो बाद में बने वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो दो बाद में बने उसमें एक ठुंडी बीज और जो दूसरा बना है कदमत, कदमत बीज, ये दोनों लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। लक्षद्वीप जो है एक कोरल है जो केरल जो राज्य है, केरल राज्य के निकट अरब सागर में स्थित है। अरब सागर, लक्षद्वीप के सबसे पास में जो देश है वो मालदीव है। मालदीव है। लक्षद्वीप की राजधानी करावाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी के जीवन पर आधारित एक फिल्म है, मतलब आत्मकथा एक तरीके से कह सकते हैं, आत्मकथा। जो थलाइवी जो फिल्म है उसके बारे में देख लेते हैं। थलाइवी, थलाइवी जो है वो जय जयललिता के बारे में जानकारी हमें देती है। इसमें थलाइवी का जो किरदार निभाया था, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कंगना रनावत, कंगना रनावत ने इसमें थलाइवी यानी जयललिता का किरदार निभाया था। ये जयललिता जो थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो कि AIA DMK पार्टी की थी संस्थापक। AIADMK। वर्तमान में तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन है। एमके स्टालिन है जिनकी पार्टी है डीएमके। डीएमके मतलब द्रमुक मुनेत्र कसगम। इनकी राजधानी है तमिलनाडु की चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के बारे में एक और जानकारी देख लेते हैं। तमिलनाडु में जो चेन्नई शहर है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन बनती है। ट्रेन बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आपसे हम ये और कहना चाहेंगे कि जो हम एक्सप्लेनेशन करा रहे हैं इसका हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपको कोई भी जानकारी रटनी ना पड़े। हम इतनी बार रिपीट करवा देंगे कि आप क्वेश्चन अपरूप याद हो जाएंगे। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन को देखेंगे, तुरंत आपके दिमाग में वो हिट कर जाएगा कि फला फला क्वेश्चन हमारा पड़ा हुआ है, और आप तुरंत आंसर मार कर पाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ पंकज सर, तिवारी सर, शिवम तिवारी सर जो हैं वो भी एक एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट कराएंगे, कई कई शिफ्टों में एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट कराएंगे, जिससे कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी पेपर में आपको उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। आपको ये बहुत और जानकारी होनी चाहिए कि इस बार 80 क्वेश्चन जो हैं वो 60 मिनट में करने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा हैं, समय कम है। हमें अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी पड़ेगी, टाइमिंग को सिर्फ सही करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज भी थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी जिससे कि हमारी स्पीड पता चल सके, इसीलिए टेस्ट सीरीज भी देते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित होता है? लोहड़ी पर्व जो है पंजाब में मनाया जाता है, ये
लोहड़ी पर्व पंजाब में मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है। चौदह जनवरी को जो मकर संक्रांति होती है उससे एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। इसके साथ में हम उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, केरल में पोंगल आदि मनाते हैं, तमिलनाडु में जलीकट्टू, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के विषय वस्तु थी। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह ये थीम थी, ये थीम किसकी थी इसके बारे में देखते हैं। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह ये हमारा थीम था नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये पहली बार पूछा गया है जो कि 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। अब अन्य जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस के बारे में देखते हैं, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका 2022 का जो थीम था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 22 का जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट इसका थीम था। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर मतलब नहीं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरण दिवस कहा गया, इसको 5 जून को मनाते हैं, 5 जून। इसका थीम नोट कर लेते हैं, इसका थीम था ओनली वन अर्थ। ओजोन दिवस के बारे में देख लेते हैं, ओजोन दिवस 16 सितंबर इसका थीम भी देख लो, इसका थीम है ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रैक्टिकल लाइफ ऑन अर्थ। इंग्लिश में ही याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 नवंबर। ये कुछ नए दिन अभी संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किए गए हैं, इसीलिए इनको करंट के हिसाब से पूछा गया है, करंट अफेयर्स के बारे हिसाब से ये हमसे पूछे गए हैं। जो ये दिन होते हैं इनको लगभग यूनाइटेड नेशंस निर्धारित करता है कि कौन दिन से कौन दिन मनाया जाना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं नवंबर के बारे में। नवंबर में जैसे 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। इसी दिन हम बाल दिवस भी मनाते हैं। उन्नीस नवंबर को देख लेते हैं, 19 नवंबर को होता है एकीकरण दिवस। ये इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। और 21 नवंबर को भी देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। 21 नवंबर होता है टीवी दिवस।
यानी तपेदिक, टीबी की वैक्सीन बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी का डाल दिया गया है। तो फूल का भाग होता है, फूल के भाग में कुछ चीजें होती हैं जैसे पुंकेसर, स्त्री केसर। प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन करता है वो फूल ही होता है, जहाँ प्रोडक्शन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर जो होता है फीमेल भाग होता है, और पुंकेसर ये मेल भाग होता है, मेल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था ये भी देख लेते हैं। कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, 1206 में ये सुल्तान बना था, 1206 से 1210। इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। झोपड़ा बनवाया था जो एक स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। मृदा संरक्षण के बारे में हमसे जानकारी लेना चाहता है, तो ये पर्यावरण का क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका एक इसको थोड़ा जानकारी भी ले लेते हैं इसके बारे में, मृदा अपरदन के बारे में थोड़ा देखते हैं। मृदा संरक्षण जो मिट्टी को कटान से बचाना या फिर मरुस्थलीकरण, सूखा सूखा से बचाना, ये सब चीजें जो होती हैं ये मृदा संरक्षण के हिसाब से आ जाती हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का हिंदी मतलब होता है कि जानवरों का अतिचराव। जो जानवर अधिक चरते हैं जब जमीन पे, तो उनके खुरों से मिट्टी कट जाती है, उनके पैरों से, उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किस देश ने की थी। एशियाई फुटबॉल कप 2019, ये क्वेश्चन करेंट का क्वेश्चन हो जाता है। करेंट अफेयर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जाने लगी है, तो इस हिसाब से हम करंट को भी देखेंगे। हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स है इसके वेस्ट 300, जो वेस्ट 300 क्वेश्चन होंगे महीने के, उनको हम संडे टू संडे मतलब रविवार को एक ही साथ में 4 वीडियो बना के 4 हफ्तों का करंट अफेयर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। इसी संडे से, जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, इसी संडे से आपको 4 वीडियो के माध्यम से 1 महीना यानी कि जुलाई आपको खत्म करवा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है कि एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अब इसमें 2022 के हिसाब से देख लेते हैं, 2022 की मेजबानी जो थी वो भारत ने की थी, महाराष्ट्र। इसमें चीन विजेता रहा, चीन विजेता रहा, इसी इसी के साथ चीन
का जो महिला विश्व कप में क्वालिफाई करने वाली टीम एशिया की बन गई है 2022 में, जो थी महिला थी फीमेल, और 2022 में अंडर 17 फीफा विश्व कप महिला फीमेल का आयोजन भी मुंबई में महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। और अब विजयनगर को यहाँ कर्नाटक का 31वां जिला घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हम्पी में हम्पी के खंडहर स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य था, इसकी नींव जो है हरिहर और बुक्का। बुक्का ने डाली थी। और इसके एक प्रतापी राजा हुए हैं कृष्णदेव राय। ठीक है, इनके दरबार में अष्ट अष्ट प्रधानमंत्री रहते थे। इनका जिक्र बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 313। ये आईपीसी से क्वेश्चन आया है। आईपीसी सन 1861 में लागू हुई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार 13 शतक लगाया, ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। एक बार पाकिस्तान में, एक बार दक्षिण अफ्रीका में। पाकिस्तान में 307 रन बनाए थे, दक्षिण अफ्रीका में 317 रन बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? बैरन द्वीप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो डीके जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ताप्ती नदी एमपी मध्य प्रदेश से गुजरती, मध्य प्रदेश से निकल के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होते हुए गुजरात, गुजरात का जो सूरत शहर है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी जो है विशेष इसलिए है क्योंकि ये एस्चुरी का निर्माण करती है।
एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके साथ में नर्मदा भी है, नर्मदा भी एक एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा जो है ओमकारेश्वर से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, नर्मदा में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है जो एकता नगर में है। एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी सरदार पटेल की प्रतिमा 182 मीटर भी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया था। जो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो उस हिसाब से जो जो 2020 था, ये इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार ने एमएसपी जो है वो 6 फसलों का निर्धारित कर दिया है, 6 फसलों का निर्धारित कर दिया है। अब एमएसपी के बारे में देख लेते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति जो है वो तय करती है कि कितनी फसलों पे हमें एमएसपी देना है, कितनी फसलों पे एमएसपी नहीं देना है, सीएसीपी जिसको कहते हैं। अब ये देख लेते हैं एमएसपी कितनी फसलों पे मिलता है। तो एमएसपी जो है वो 22 फसलों पे मिलता है, साथ में गन्ना, गन्ना भी, गन्ना पे भी एमएसपी ही, एमएसपी के एक प्रकार से एमएसपी ही मिलता है। उसमें एक समर्थन मूल्य जो होता है गन्ने का वो भी तय किया जाता है। इस समय हम देख लेते हैं, इस समय हमारा एमएसपी कौन कौन सी फसलों पर जो इम्पोर्टेंट है उस पर क्या मिल रहा है। तो उसमें धान जो है 240, 2040 धान का, ज्वार 2970, गेहूं 2125, अरहर यानी तूर 6600, कपास 60-80। और इसके अध्यक्ष जो हैं, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके साथ में हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, जैसे कि आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो लंबा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दिया जा सके स्टैटिक करंट अफेयर्स के बारे में भी। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद हो और आपको थोड़ा अच्छा ज्ञान मिला हो, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। एक जानकारी और देना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता हो गया होगा हमारे चैनल पे जो सर पढ़ाते हैं पंकज सर, उनका अभी सिलेक्शन हुआ है SSC GD में। तो उनके पूरे में पूरे नंबर, मतलब कि मैथ और रीजनिंग में पूरे 25 में 25 नंबर थे। इसी हिसाब से हमारे अन्य भी लड़के हैं जो भी यहाँ तैयारी करे थे हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग के साथ में, और कई बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने कई एग्जाम निकाले हुए हैं। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम आपको बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट टीचर देंगे। अगर आप मेरा साथ आखिरी तक देते चलेंगे तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको कोई भी परीक्षा में फेल नहीं करा पाएगा, चाहे वो हिंदी हो। हिंदी तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, वो भी कई एग्जाम पास कर चुके हैं, कई एग्जाम, एक नहीं कई एग्जाम। GS तो हम ही पढ़ा रहे हैं, हम आपका क्या बताएं, हमने भी बहुत से एग्जाम पास किए हैं, रेलवे NTPC लेवल सारे लेवल निकाले थे,
और भी कई एग्जाम निकाले हैं, लगभग 17 एग्जाम हम क्रैक कर चुके हैं विद पीसीएस प्री के साथ में। पंकज सर भी कई एग्जाम निकाल चुके हैं, 3-4 एग्जाम, किसी में किसी किसी में किसी किसी लड़के के पास तो कम से कम नहीं तो 5-5, 6-6 रिजल्ट अभी मेरे पास हैं। कई लड़के काम भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो इसीलिए यही कहना चाहेंगे कि आप साथ देते रहिए, हम आपके साथ पूरी तरीके से लगे रहेंगे, मेरी पूरी टीम लगेगी आपके साथ में, और जब रिजल्ट आएगा तब आप खुद बताएंगे कि आपको बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट टीचर कहाँ से मिला है। चलिए आज का यहीं समाप्त करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।